अस्सलाम वालेकुम, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट हाउस बॉन जर्मनी में। आज के दिन ये आम आवाम के लिए खुला हुआ है ये प्रेसिडेंट हाउस। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं। आज प्रेसिडेंट खुद भी आएंगे इधर। सामने देख सकते हैं वो बिल्डिंग है, ये पार्क है उसका। उस बिल्डिंग में वो रहने नहीं आते, मगर जैसे कोई मेहमान आता है दूसरे मुल्क से तो उसको रिसीव करते हैं यहाँ। तो ये 1860 की बनी हुई बिल्डिंग है। Stempel. Und bei zwei Stempeln können Sie sich dann eine kleine Überraschung am Stand der Stadt Bonn oder am Stand des BMZ abholen. Die Quizkarten kriegen Sie an den Eingängen, an den Informationsständen sowie an den Ausstellerzelten der Stadt Bonn und des BMZ. Wir haben es gerade schon gesagt und wir haben es auch gehört, auch Peanut Butter Spirit Lover treten heute nochmal auf der Bühne des BMZ auf. Also wenn Sie da mal rüberschlendern wollen, dann machen Sie das gerne. Um 13.30 Uhr wird da die Ministerin Svenja Schulze das Programm eröffnen. Und ich kann es nur nochmal wiederholen, trinken Sie, passen Sie auf sich auf, cremen Sie sich gut ein. Es wird wirklich heiß heute, sehr, sehr sonnig. Wie gesagt, da vorne haben wir die Wasserstellen, wo Sie mit Wasser tanken können, ganz kostenlos. ये इसका पार्क है छोटा सा। उधर पीछे से हम आए हैं। चलिए उनके घर। चलते उनके घर। आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा इन्होंने यहाँ बना रखा है फूलों की सजावट। प्यारा भी है। अनफॉर्चुनेटली वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उसका स्पेशल टिकट हो गया, वो सब ख़त्म हो गए। तो आपको बाहर से दिखाते हैं। हमें बैक साइड के आगे उस बिल्डिंग के इधर बड़ा प्यारा पार्क है। तो आप देख सकते हैं बहुत पुराना इधर एक दरख्त है। तो जा रहा है काफ़ी ऊँचा है इधर। और ये आप देख सकते हैं ये भी बैक साइड बिल्डिंग। ये है बैक साइड व्यू इस बिल्डिंग का। 1960 में बनी हुई है ये। और ये जिसने ये बनाई थी उसके साथ ये हादसा हो गया था कि उसका जो बेटा था वो एक फॉरेन में डूब के मर गया था।
जो आपने शुरू में देखा तो उस बारे में नहीं, कहीं और किसी घर में था, उस बारे में डूब गया था। तो फिर उसकी बीवी काफ़ी उसको गम हुआ, और वो भी फिर कुछ दिनों बाद उसने फिर यहाँ रान में जाके खुदकशी कर ली थी। फिर उसके बाद तकरीबन 1970 में उसने ये बिल्डिंग भेजी थी एक अमीर आदमी को, जो चीनी का जिसका बिजनेस था शुगर का यूरोप में, तो वो काफ़ी अमीर था, उसने ये ख़रीदनी थी। दूसरे जंग अजीम के बाद फिर ये जर्मन गवर्नमेंट ने 1950 को ने ये ले ली थी बिल्डिंग। तो जब से ये इसमें प्रेसिडेंट हाउस है ये, और बड़ा प्यारा इसका पार्क है। ये सामने ये चांसलर का बंगलौर है, इसमें काफ़ी पॉलिटिशियन के जो जर्मनी की हिस्ट्री की है काफ़ी इसमें फैसले हुए हैं, डिसीजन हुई हैं, और ये काफ़ी मशहूर है क्योंकि बैक साइड पे इन दरख्तों के पीछे चांसलर का हाउस है। ये देखिए इसका गार्डन, जो ये चांसलर प्रेसिडेंट के पार्क में बहुत खूबसूरत दरख्त भी हैं तरह तरह के, आप देख सकते हैं।
सामने चांसलर का घर है, वो भी बस यहाँ के काम के लिए आते थे, रहने के लिए कहीं और उनकी जगह होती थी, अपने प्राइवेट जगह पे जाते जाते थे। जो चांसलर की बिल्डिंग है उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी सालों से वो यही है, मेंटेनेंस के लिए लगे हैं मगर पैसे नहीं उनके पास, स्पेशल बजट नहीं इसके लिए। जैसे मैंने कहा था इस पार्क में बड़े प्यारे तरह तरह के दरख्त हैं, एक ये भी एक यूनिक दरख्त है, इसके पत्ते कैसे मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इधर पीछे मिनिस्टर की टू बिल्डिंग है, इसमें दफ्तर है इनके, मगर सब बर्लिन में चले गए। सामने पास टावर नज़र आ रहा है, यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग इसके पीछे, इस होटल की बिल्डिंग के पीछे, इनके दफ्तर है। यहाँ से चांसलर जो छोटा था वो पैदल जाता था, क्योंकि यहाँ से निकल के सामने असेंबली है, असेंबली भी बाहर से दिखाते हैं आपका। ये एक्सिट है और यहाँ का पैदल रास्ता है असेंबली तक का, जो पहले थी जब बॉन कैपिटल सिटी था। तो ये यहाँ से पैदल जाते थे, एक मिनट का भी रास्ता नहीं है पैदल। बिल्डिंग के ऊपर ब्लू कलर का निशान है यूनाइटेड नेशन की है, जो येलो कलर का वो DHL पोस्ट टावर कहलाता है। ये रही असेंबली, हम पहुंच गए असेंबली के पास, आज बंद है। एक ज़माने में असेंबली होती थी, आप देख सकते हैं इधर बोर्ड लगा हुआ है। एंट्रेंस लिखा है, होप करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।